बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू एनएमडीकेट फिज़िक्स विद सैयद उमर फारूक। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 5। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। डिफिनेशन क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, या इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में समझा चुका हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल एक्सेलरेशन। और यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। देखो किस तरह, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहां पे सपोज करें डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी वो चेंज होता है। इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल acceleration which is always towards the center of a circle। तो यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी। ठीक है, point to be noted for MCQs, वो क्या है, angle between centripetal acceleration and a linear velocity वो क्या है, 90 डिग्री आर पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, v के साथ। दूसरा नंबर पॉइंट, एंगल बिटवीन रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर एंड यहां पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि यहां पे आर ये पैरेलल है एक्सेलरेशन के साथ। यहां पे जो रेडियस है वो क्या है, देखो इसलिए हम तो इसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट लाई ऑन द रेडियस ऑफ अ सर्कल। समझ आई बात की, तो इस एक्सेलरेशन को हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, नंबर 1 मैथमेटिकल फॉर्म में से नंबर 1 कौन सा है, ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। अगर यहां पे हम कहें कि ए सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के साथ, ए सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के साथ, आर को हम यहां पे लेते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर को हम लेते हैं कॉन्स्टेंट।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए सी होल अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यही आर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर हम वी प्राइम को 2v करें तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा, वो बनेगा 4a न्यू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वी प्राइम को हम 3v करें तो एक्सेलरेशन बनेगा कितना, 9ac। अगर वेलोसिटी हम ये करें 4 टाइम तो एक्सेलरेशन बनेगा क्या, 16 ऑफ ac। मतलब ये हुआ कि अगर वी प्राइम को हम इन टाइम ले लें तो एक्सेलरेशन प्राइम को हम इन स्क्वेयर ऑफ एसी लेते हैं। ठीक है, इन स्क्वेयर ऑफ एसी, अगर ये इन टाइम इंक्रीज हो जाए तो एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज हो जाएगा, इन स्क्वेयर टाइम ऑफ इट्स इनिशियल। क्लियर हो गई बात। अगर हम कहें कि ये टू इस वेलोसिटी को हम डबल करें तो इसका मतलब ये 400% इंक्रीज होगा। 400% का मतलब है 400 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 4, ये 900% इंक्रीज होगा, ये 1600% इंक्रीज होगा। समझ आ रही बात की, अगर इसको हम डबल ट्रिपल या 4 टाइम करें। ठीक है, ये परसेंटेज की तो क्वेश्चन और भी है कि अगर हम वेलोसिटी को 2% इंक्रीज करें। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ये भी है कि अगर वेलोसिटी को हम 2% इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन में कितना इंक्रीज आएगा, इसमें आएगा 4%। अगर वेलोसिटी को हम 3% इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन में इंक्रीज आएगा कितना, 6%। 9% नहीं होगा, 6% होगा। ये क्यों, क्योंकि परसेंटेज इन वी, परसेंटेज इन एक्सेलरेशन ये बराबर है 2% इन वी। स्क्वेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 into, फॉर एग्जांपल 2% है तो 2% ले लो, इससे आएगा 4%। 2 into 3 तो 6%, अप टू 100 एंड 100। लेकिन अगर ये परसेंटेज का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, अगर ये परसेंटेज का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 10 हो जाए, मतलब ये है इफ वी इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। तो कितना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, 2n प्लस इन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 100। तो 20% है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, इससे आएगा 40 प्लस ये 0000 यहाँ पे आएगा 4, ये 44% इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, 44% इंक्रीज होगा। फिर वो वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि परसेंटेज का जो फार्मूला है, कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने इसको दोबारा रिपीट किया यार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिक्रीज आ जाए तो डिक्रीज के लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करें, 2n - n² डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया डिक्रीज। समझ गई बात की। अब इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो कि इफ velocity is increased by 10%, velocity is increased by 10%, then decrease in acceleration is, तो यहाँ पे option given होगा अगर हम इस formula से करें। ठीक है, so 10 2 multiplied by 20 और यहाँ पे 10 21%, number 2 25%, नंबर 3 20%, नंबर डी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। तो आपके ख्याल में ये क्या होगा, अब यहाँ पे हम टेक करेंगे किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है
यहाँ पे अगर इसको हम इंक्रीज करें तो ये इंक्रीज होगा, अगर इसको हम डिक्रीज करें तो ये डिक्रीज होगा. क्यों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, A स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है, A इज इक्वल टू V स्क्वायर या A अंडर रूट इज इक्वल टू V. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन तो नहीं है कि डिक्रीज आ जाए. इस वजह से यहाँ पे आप लोग टेक करेंगे किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन एंड करंट को. क्लियर हो गई बात. नाउ सेकंड फार्मूला फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो क्या होगा. नंबर टू, ए सी इज इक्वल टू आपने पढ़ा माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर. अगर वी की जगह मैं पुट करूं आर ओमेगा या वी स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, तो ए सी बनेगा क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर, माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर. यहां पर भी वही रिलेशन कि ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेयर या ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. वहां पे ए सी था, इस केस में ए सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जब वी कॉन्स्टेंट है. यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है जब ओमेगा कॉन्स्टेंट हो, यहां पे आर कॉन्स्टेंट है. ठीक है, समझ गई बात की. नंबर थर्ड, ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इन टू आर. ठीक है, यहाँ पे ए सी का जो ताल्लुक है टाइम पीरियड के साथ, ये कौन सा है, इनवर्स रिलेशन. ओमेगा बराबर है टू पाई डिवाइडेड बाई टी, तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर होगा फोर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर. क्लियर हो गई बात. ये आ गया नंबर थर्ड फार्मूला. नंबर फोर्थ फार्मूला ये होगा, ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इन टू आर. क्योंकि ओमेगा बराबर है टू पाई एफ के, तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर होगा फोर पाई स्क्वेयर इन टू एफ स्क्वेयर. क्लियर हो गई बात. तो ये चार मेन फार्मूले आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए. अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में एम सी क्यूज आ सकता है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ए सी. तो नंबर वन, इसको हम लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर इन टू आर यूनिट वेक्टर. या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इन टू आर वेक्टर. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि आपको पता है आर वेक्टर बराबर है आर इन टू आर यूनिट वेक्टर. तो आर यूनिट वेक्टर की जगह पर करें आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, तो ये बनेगा आर स्क्वेयर. ठीक है, नंबर थर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर. या आप यूज़ कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर, क्योंकि आर इंटू आर यूनिट वेक्टर ये बराबर है आर वेक्टर के. नंबर फाइव, इसमें ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर इन टू आर, या आर अपनी जगह पर आर यूनिट वेक्टर मैंने वेक्टर की वजह से लगाए. एंड नंबर सिक्स, ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर इन टू एफ स्क्वेयर इन टू आर यूनिट वेक्टर. या इस तरह लगाओ, ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इन टू आर वेक्टर. या नंबर एट, ए सी इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इन टू आर वेक्टर. तो ये आठ डिफरेंट टाइप आप वर्ड है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए सी. आप किसी भी कोई भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ए सी आप लोगों के पेपर में आ सकता है. ठीक है, तो आप इनमें से फिर देखें और वही आप लोग टेक करेंगे. ये भी चांसेस है कि तीनों आ जाए और लास्ट में लिखा हो ऑप्शन ए बी सी. लेकिन एक बात जहन में याद रखना, माइनस साइन ज़रूर लिखूँगी. अगर माइनस साइन नहीं हो तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है और ये माइनस क्या शो करें, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल. क्लियर होगी बात. तो ये आ गई
आप लोगों का क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।